नमस्कार, मैं दीक्षा जयपुरी आर आवाज डेली हर्ष टीवी से स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में। सबसे पहले खबर झुमरी तिलैया से। गोपाष्टमी को लेकर झुमरी तिलैया के यदुटान स्थित कोडरमा गौशाला में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान झंडा तोलन भी किया गया। वहीं दूसरी ओर गोपाष्टमी को लेकर मड़वाड़ी युवा मंच की झुमरी तिलैया शाखा ने नगर में गौ माता के साथ झूली निकाली। देखें ये खास खबर। झुमरी तिलैया मारवाड़ी युवा मंच द्वारा निकाली गई झोली में दो ग्रुप बटा हुआ था। इसमें लगभग 31,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। मंच के अध्यक्ष संदीप हिसारिया तथा सचिव उमंग अग्रवाल ने बताया कि सामाजिक दायित्व के तहत मंच ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। गौ सेवा ही सच्ची सेवा है। नगर वासियों ने जिस तरह से सहयोग किया है उसके लिए मंच परिवार धन्यवाद अर्पित करता है। इस अवसर पर मंच के पूर्व अध्यक्ष रितेश डुग्गड़, संजय शर्मा, अरविंद चौधरी, हिमांशु केडिया, मुरली मोदी, प्रदीप हिसारिया, शुभम चौधरी इत्यादि भी मौजूद थे। चंदवारा थाना क्षेत्र के कोटवाडी में तिलैया डैम जलाशय के किनारे एक अज्ञात शव बरामद किया गया है। बताया जाता है कि ज्वाहर घाट इलाके से शव बहकर तिलैया डैम के किनारे कोटवाडी गाँव के समीप लग गयी। देखे ये पूरी खबर। चंदवारा थाना क्षेत्र के कोटवाडी में तिलैया डैम जलाशय के किनारे एक अज्ञात शव बरामद किया गया है। बताया जाता है कि जवाहर घाट इलाके से शव बहकर तिलैया डैम के किनारे कोरवाडीह गांव के समीप लग गया। कोरवाडीह ग्रामीणों ने शव देखा, स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद चंदवारा थाना प्रभारी शाहिद रजा दलबल के साथ पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पानी में शव रहने के कारण शव फूल गया है और पहचान करना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। झारखंड बिहार की सीमा पर बसे कोडरमा जिले में आजकल फिल्म शूटिंग का क्रेज काफी बढ़ रहा है। अलग अलग राज्यों के फिल्म निर्माता व निर्देशक यहां की खूबसूरत वादियों में अपनी फिल्म की शूटिंग को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखें ये खास खबर। झारखंड बिहार के सीमा पर बसे कोडरमा जिले में आजकल फिल्म शूटिंग का क्रेज काफी बढ़ रहा है। अलग अलग राज्यों के फिल्म निर्माता व निर्देशक यहां की खूबसूरत वादियों में अपनी फिल्म की शूटिंग को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी बीच बोंगा बैनर तले बेलगाम इश्क की शूटिंग यहां शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर आज तिलैया डैम स्थित झील रेस्टोरेंट में इसका शुभ मुहूर्त का कार्य संपन्न हो गया। इस अवसर पर फिल्म के निर्माता निर्देशक सहित सभी कलाकार मौजूद रहे। फिल्म में जनरली जो है आता हीरोइन का करेक्टर होता है सिर्फ नाच गाने के लिए या इसके लिए, लेकिन इस फिल्म में क्या और भी कुछ रोल है हीरोइन का की सिर्फ? नहीं नहीं, इसमें सिर्फ नाच गाना नहीं है, क्योंकि फिल्म का वो जो लड़का है आशिक हो बन जाता है, तो मेरे ही कारण वो ऐसा हो जाता है, बेलगम हो जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि पर्यटन के साथ साथ मैं सिनेमा के लिए भी काम कर रहा हूँ और लगभग 15 सालों से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि एक तरह से पर्सनल लेवल पर। मेरी उम्मीद है, मैं यही इच्छा रखता हूँ कि कोडरमा को पर्यटन और फिल्म के हिसाब से पूरे देश में दुनिया के नक्शे पर लगाया जाए। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बने रहे हमारे साथ। हजारीबाग के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, स्वर्णलोक द डॉल्फिनोज रिसोर्ट देवी मंडप रोड हजारीबाग। बस एक माह का और इंतजार, 11 नवंबर को भूमि पूजा और 1 दिसंबर से शुभारंभ, जहां पे ठहरने की उत्तम सुविधा, शादी घर, बारबेक्यू रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम समेत सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। धन्यवाद। एनी चिल्ड्रन क्लिनिक डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप हजारीबाग। जी हाँ, हर माह की 29 तारीख को आएं और फ्री चेकअप का लाभ उठाएं। तो पता याद रखें, एनी चिल्ड्रन क्लिनिक डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप हजारीबाग। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें 9430106113 या 8582888390। मेहर मार्ट हजारीबाग में अफोर्डेबल प्राइस रेंज में ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। हमारे पास ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स भी उपलब्ध हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट, ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर करने पर फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा मौजूद है। वहीं हमारे यहाँ साल भर आकर्षक ऑफर्स मौजूद हैं। हमारा पता है मेहर मार्ट, बड़ा बाजार, हजारीबाग। पता एक बार फिर से, मेहर मार्ट, बड़ा बाजार, हजारीबाग।
विभाग राज फर्नीचर फर्स्ट एंड थर्ड ब्रांच बंसीलाल चौक सेकेंड ब्रांच झिझरिया पुल बोरा रोड हजारीबाग। हमारे यहाँ सोफा दीवान पलंग डाइनिंग टेबल वार्डरोब झूला आदि उपलब्ध है। दिवाली के शुभ अवसर पर 30% डिस्काउंट के साथ। तो अभी संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 9835584। जमुना दास पेट्रोल पंप थाना चौक रामगढ़, यहां आपको मिलेगा बिना मिलावट का ईंधन। हर बार भरोसा, शुद्धता और सही माप का वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, शौचालय फ्री एयर, सभी तरह के इंजन ऑयल आदि सुविधाएं उपलब्ध है। जी हां, तो कहीं और क्यों जाएं? जमुना दास पेट्रोल पंप थाना चौक रामगढ़, प्योर फॉर श्योर, 75 सालों का भरोसा लोगों के बीच बरकरार। जमुना दास पेट्रोल सप्लाई कंपनी, तो पता याद रखें, थाना चौक रामगढ़। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका अगली खबर धनबाद से। धनबाद एएसपी विधि व्यवस्था के नेतृत्व में छरिया थाना प्रभारी डॉक्टर प्रमोद सिंह, जोरा पोखर थाना प्रभारी नंद किशोर सिंह एवं अन्य पुलिस अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। उक्त बातों की जानकारी छरिया थाना ने प्रेस वार्ता कर धनबाद सिटी एसपी ने पत्रकारों को जानकारी दी। देखे ये खास खबर। धनबाद एएसपी विधि व्यवस्था के नेतृत्व में झरिया थाना प्रभारी डॉक्टर प्रमोद सिंह, जोरा पोखर थाना प्रभारी नंद किशोर सिंह एवं अन्य पुलिस अधिकारियों ने अंतर्राज्य गिरोह का पर्दाफाश किया। उक्त बातों की जानकारी रविवार को झरिया थाना में प्रेस वार्ता कर धनबाद सिटी एसपी ने पत्रकारों को जानकारी दी। सिटी एसपी आर राम कुमार ने बताया कि किसी ने सूचना दिया कि जोरा पोखर थाना अंतर्गत जामा डोबा के पास नगर निगम के कचरा के समीप चोरी का हाइवा खड़ी। सुबह एक मतलब अर्ली मॉर्निंग एक सूचना मिला था, लाइक एक चोरी का चोरी किया हुआ ट्रक गाड़ी जोड़ा पोकर नगर निगम कचरा गोदाम के पास खड़ा, ऐसे एक सूचना गुप्त सूचना मिला था। इसी को वेरिफिकेशन में एएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में टीम गठित किया था, उसमें जरिया इंस्पेक्टर साहब, जोरा पोकर इंस्पेक्टर सारे लोग था, और उसी टाइम प्लानिंग बनाया है एएसपी लॉ एंड ऑर्डर का। उसके बाद बनाकर दो टीम बनाया है, एक टीम मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ये लोग जाकर स्पॉट को देखा है, और देखने के बाद इसमें इसी के दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी भी इधर रेकी कर रहा था, वो संदिग्ध उसको रोकने की कोशिश करने के टाइम में ये लोग रुका नहीं और थोड़ा ये एक गाड़ी को साइड किया और उन लोग को मतलब हमारा सरकारी गाड़ी को थोड़ा डैमेज भी किया है। उसके बाद बट संज्ञान में मतलब काफ़ी मेहनत से वो लोग पकड़ाया है, और कुछ ही दूर में वो सो कॉल्ड चोरी का गाड़ी है, वो गाड़ी भी मतलब वो ट्रक गाड़ी ही वो भी पकड़ाया, रिकवर हो गया है। ये चोर का गिरोह कैसा है सर, मतलब ये कैसा है कि मतलब यहाँ से दूसरे राज्य में लेकर ले जा करके गाड़ी कटवाते हैं या देखते हैं? अभी जारी है, कितना मतलब हम लोग पूरा इसमें अनुसंधान पूछताछ वगैरह जारी है अभी भी, और पूछताछ के दौरान ही एक अभी बताया था, एक बोलेरो पिकअप वन कहीं लोहरदरगाह में लूट हुआ था वगैरह, और ये भी कोशिश कर रहे हैं मतलब कितना भी गाड़ी वगैरह इसमें रिकवर कर सकते हैं, पूरा गैंग और पूरा नेटवर्क को खुलासा करना। क्या क्या बरामद हुए, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? गिरफ्तारी क्या हुई? हाँ, मोबाइल भी, मोबाइल है और मनी बैग भी। क्या जी? मोबाइल है, पांच मोबाइल है, पैसा 2,354 है, ये सब। गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी उधर ये कहाँ है? पुटकी था। पुटकी कितने लोग? पांच लोग हैं, पांच लोग हैं, FIR नौ लोग पर हो रहा है। ये अपराधी सर कहाँ गिराने वाला है? आज सुबह है। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बाधर गांव के एक 19 वर्षीय युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक 7 महीने के बच्चे को जन्म देने के बाद उस बच्चे की मौत हो गई। पीड़िता के परिजनों ने मृत बच्चे को चतरा महिला थाना को सौंप दिया। देखें ये पूरी खबर। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बाधार गांव के एक 19 वर्षीय युवती को 20 नवंबर शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक 7 माही बच्चे को जन्म देने के बाद रविवार अहले सुबह 4 बजे उसकी मौत हो गई। पीड़िता के परिजनों ने मृत बच्चे को चतरा महिला थाना को सौंप दिया। महिला थाना ने मृत बच्चे को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में पीड़ित युवती ने बताया कि लॉकडाउन के समय मेरे फुफेरे भाई पंकज कुमार उर्फ छोटू पिता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ग्राम शेरघाटी गया। बिहार ने
लिए बाधार आकर हमसे संपर्क किया। इस बीच शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण लगातार करता रहा। काजल कुमारी। पिता का नाम? श्री अर्जुन प्रसाद गुप्ता। घर? बधार। पूरा घटना के बारे में आप बताइए, कैसे कैसे घटना हुआ आपके साथ? जो फुफेरा भाई था आया था लॉकडाउन में। क्या नाम था उसका? पंकज कुमार। उसका पिता के नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। उनको घर हुआ सरघाटे, आए थे लॉकडाउन में। तो हमको बोले कि से हम जब भी करेंगे तो तुम ही से शादी करेंगे, और यहाँ मेरे पापा से भी बोल दिए। पंकज बोला था? तो यही में मेरे साथ गद्दारी किया, गलती का। शादी का प्रलोभन देकर गलती काम किया ना, कि जब भी करेंगे तो तुम ही से शादी हम करेंगे, जब भी हो जाए। उसके बाद मतलब गलत काम किया और उसके बाद फिर चला गया। हाँ चल गए। उसके बाद क्या हुआ? तो वही मोबाइल से बात होते रहा। तो वही बोले, इस बीच मतलब उसका गला से तुम्हारे पेट में मतलब बच्चा टर गया। तब उसके बाद बात के बारे में बताए थे उसके? हाँ बताए। तो क्या बोला? तो बोले कि रहने दो, से हम आएंगे 2 महीने के बाद। तो नहीं आए। बच्चा रखने का भी दवा बना रहा था ना? हाँ, डॉक्टर से जब बोल दिए तो फोन करके कि बच्चा के कुछ नहीं होना चाहिए। तब जब नहीं आया तब तुम्हारे पिताजी और तुम मिलके थाना आई, मैं चतरा। नहीं, पापा नहीं गए थे, हम गए थे महिला थाना में। हाँ नहीं, सिर्फ हम गए पहले थी सदर हॉस्पिटल में। अच्छा, तो वहीं गए, हम थोड़ी ना वहाँ थाना में गए थे। तो फिर कैसे केस हो गया? तो वहीं फिर गए वही थाने वाला। उनको पता चला तो हॉस्पिटल से। तो वही फिर बोले कि सब बात पूछे हमसे, सब बताएं सच। तो वही बोले कि केस कर दें। हम बोले कि जब नहीं रखे तो केस कीजिए। केस करने के लिए बोले कि हाँ, हम बोले थे उनको कि से हम नहीं होती रखिएगा नहीं तो हम केस कर देंगे। तो बोले ना वो कि से जाओ केस कर दो, हमको का पुलिस का डर होती, डर लग रहा। आपका वो कौन लगता था? फुफेरा भाई लगता है अपना। तो आप क्या चाहती है? रखेगा वही करेंगे उसी से। अच्छा, शादी उसी से करें। हाँ करेंगे उसी से, गलत काम किया है वो तो रखेगा कौन। रुकिएगा रुकिएगा, अगर वो अभी शादी से इनकार करता है तो क्या कीजिएगा आप? कानून अथी करेंगे। आराम से आराम से बोलो। कानून के सहारा लेके होती उनको सजा दिलवाएंगे और क्या करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ आवाज डेली हर्षित टीवी। हमीदा नर्सिंग होम पसई सिमरिया रोड हजारीबाग। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत लाल पीला हरा राशन कार्ड धारी का मुफ्त इलाज किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित मूल्य पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पैथोलॉजिकल एवं एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पता याद रखे, हमीदा नर्सिंग होम पसई सिमरिया रोड हजारीबाग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9835747753 या फिर 9576146220। शुद्धता की गारंटी हमारी पहचान। आधुनिक और विविध आकर्षक डिजाइनों वाले स्वर्ण आभूषण प्रतिष्ठान के रूप में है पहचान। तो आज ही आए जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग, जहां आप पाएंगे 100% मूल्य पुराने गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर और 30% डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर छूट। तो पता याद रखें, जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग। लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल चौपारण, जहां उपलब्ध है आंखों की जांच के अत्याधुनिक उपकरण और 24 घंटे चिकित्सकों की व्यवस्था। आंखों की हर तरह की परेशानी से जहां मिल सकता है निजात, झारखंड बिहार का इकलौता आधुनिक आई केयर सेंटर। तो आज ही संपर्क करें या पहुंचे नव भारत जागृति केंद्र द्वारा संचालित बेहरा चौपारण का यह अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल चौपारण। यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको देगा आसान शर्तों और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर
सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख सब्सिडी की भी सुविधा। ना प्रोसेस में कोई परेशानी और ना इंतजार करने का झंझट, तो आज ही संपर्क करें हर्षित इंटरप्राइजेज, गायत्री कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नंबर 102, फर्स्ट फ्लोर, नवाबगंज, हजारीबाग। संपर्क करें 9572196587 या 8709524015। हमारा लैंडलाइन नंबर है 06546 29601 या फिर टोल फ्री नंबर 01142925 01। हजारीबाग के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, स्वप्न लोक द डॉल्फिनोज रिसोर्ट, देवी मंडप रोड, हजारीबाग। बस एक माह का और इंतजार, 11 नवंबर को भूमि पूजा और 1 दिसंबर से शुभारंभ, जहां पे ठहरने की उत्तम सुविधा, शादी घर, बारबेक्यू रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम समेत सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। धन्यवाद।